कलियर क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। नमस्कार, यूके टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयशा। लंबे समय से खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से खनन की शिकायत प्रशासन को मिल रही थी, जिस पर रात तहसीलदार रुड़की द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मिट्टी से भरे हुए डंपर पकड़े गए तथा संबंधित थाने को सूचित किया गया। आपको बता दें, NH-58 पर बन रहे फ्लाईओवर के लिए मिट्टी भराव का कार्य चल रहा है, जिसके लिए कुछ लोगों को परमिशन दी गई थी, परंतु जहां से मिट्टी का खनन हो रहा था वहां के रहने वाले एक शख्स के द्वारा लिखित में तहसीलदार रुड़की को शिकायत की गई, जिस पर तहसीलदार नंदन कुमार द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए कलियर के पास खनन कर रहे एक JCB के साथ दो मिट्टी से भरे डंपर पकड़े। उन्होंने बताया, क्षेत्र में जहां जहां अवैध रूप से खनन हो रहा है वहां उनके द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। के पास हमें जानकारी के अनुसार पता चला था कि यहां पे अवैध खनन हो रहा है। जैसे हमारे संज्ञान में बात आई, हम मौके पे आए निरीक्षण करने के लिए, क्या अवैध खनन हो रहा है। इसमें हमें मौके पे 4 डंपर और एक JCB पकड़ा गया है। अभी कार्रवाई ये हो रही है कि पुलिस के द्वारा ये सीज किया जाएगा। बिना परमिशन के हो रहा था, इनके पास सूर्यास्त के बाद ये अवैध खनन, सूर्यास्त के बाद खनन करने की परमिशन इनके पास नहीं थी, क्योंकि मौके पे जो पकड़े गए हैं डंपर और JCB, ये सूर्यास्त के बाद पकड़े गए हैं, तो ये परमिशन के खिलाफ है, तो इसलिए इनके सारी गाड़ियों से सीज किया जा रहा है और पुलिस के सबूत भी मिल रही है। और भी इधर इलाके में और भी 2-3 जगह चल रही है ऐसे अवैध खनन, उन पर कैसे कार्रवाई होगी सर? जैसे ये कार्रवाई हुई उसी तरह से और भी जैसे सूचनाएँ मिलती हैं, सूचनाएँ के अनुसार पाया जाता है अवैध खनन।